हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज हम 10 इंच के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने सेम फैब्रिक यूज़ किया है, जिससे हमने 38 इंच और 36 इंच के जुगल जोड़ी के लिए पोशाक बनाए थे। अगर आपको इन सारे पोशाक के वीडियो देखनी हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ दो पीसेस लिए हुए हैं फैब्रिक के। इसकी लंबाई 30 इंच है। यहाँ हमें 28 इंच की चाहिए और हमने 2 इंच मार्जिन लिया हुआ है, और इसकी चौड़ाई हमें 6 इंच से थोड़ी अधिक चाहिए। हम यहाँ नीचे की ओर हाफ इंच फोल्ड करके यहाँ पहले लेस स्टिच करेंगे। लेस के ऊपर और नीचे दोनों ओर आप स्टिच करें। यहाँ इस तरह हमने हाफ इंच फोल्ड किया हुआ है। हमने यहाँ नीचे लेस लगा लिया है। अब हम इस ओर इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ भी स्टिच लगाएंगे और इस किनारे भी स्टिच लगाते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ दोनों किनारे स्टिच लगा लिया है। अब हम ये दूसरी पीस में भी इसी तरह पहले हम लेस लगाएंगे नीचे और फिर यहाँ किनारे की ओर इस तरह फोल्ड करके दोनों किनारे हम स्टिच लगाएंगे, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ दोनों पीसेस में हमने साइड में स्टिच करके लॉक कर दिया है और नीचे की ओर हमने लेस लगा लिया है। अब हम इसमें प्लीट बैठाएंगे। हम यहाँ दो दो इंच फैब्रिक को इस तरह नज़दीक नज़दीक में ऊपर नीचे दोनों बराबर पकड़ के प्लीट बैठाएंगे। हमें टोटल जो पूरी पोशाक की कमर है वो हमें 7 इंच की तैयार चाहिए। हमने यहाँ दो पीसेस में हमें स्टिच करना है, तो 7 इंच को हम हाफ हाफ कर देंगे। हमें एक पार्ट में 3.5 इंच की कमर तैयार करनी है और इस पार्ट में हमें 3.5 इंच की प्लीट बैठा के दोनों में हम कमर 7 इंच की टोटल यहाँ तैयार करेंगे। यहाँ एक तरफ हमने प्लीट स्टिच कर लिया है। ये 3.5 इंच की कमर हो गई है और इसमें भी हम इसी तरह प्लीट लगा के 3.5 इंच पे हम पूरी प्लीट को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ दोनों पीसेस में प्लीट बैठा लिया है। अब हम यहाँ पे दो पीस लिए हुए हैं निफा के लिए। इसकी लंबाई हमने 5 इंच से एक पॉइंट कम है और चौड़ाई हमने यहाँ 3 इंच की ली हुई है। यहाँ हम इस तरह डबल फोल्ड करके यहाँ स्टिच लगाएंगे। हमने दो पीस लिया है दोनों पार्ट के लिए। यहाँ इस तरह आप यहाँ किनारे की ओर एक बार फोल्ड करें और इस तरह यहाँ पे डबल फोल्ड करके आप उल्टे साइड में स्टिच लगाएं पूरी कमर पे। हमने
उल्टी साइड में निफा लगा लिया है। अब हम सीधी ओरी से इस तरह पलट के यहाँ हम फैब्रिक से ही डोरी बना लिए हैं। ये 1 इंच की फैब्रिक को हम स्टिच करके हमने डोरी सिलाई कर लिया है। अब हम यहाँ इस तरह ऐड करके यहाँ स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ एक पार्ट में नीफा लगा लिया है और डोरी भी डाल दिया है। इसी तरह हम इस ओर भी यहाँ नीफा लगाएंगे। तो पहले इधर साइड की ओर फोल्ड करके हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ उल्टी साइड से यहाँ रखकर स्टिच लगाएंगे। हमने यहाँ उल्टी साइड में नीफा लगा लिया है। अब हम सीधी साइड स्टिच करेंगे इसे। तो इस तरह डोरी को रख के फिर यहाँ स्टिच लगाएं। हमने यहाँ दोनों पीसेस में नीफा लगा लिया है। चोली के लिए हमें हमने 17 इंच के फैब्रिक कट किए हैं। तैयार चोली हमें 16 इंच की चाहिए। 1 इंच हमने मार्जिन लिया हुआ है। 1/2 इंच यहाँ नीचे की ओर और 1/2 इंच इस ओर स्टिच में जाएगी। और चौड़ाई के लिए हमने यहाँ 3 इंच से थोड़ी अधिक ली हुई है। यहाँ हम इस तरह यहाँ हमें स्टिच लगानी है। हमें इस यहाँ पे टिश्यू रिबन साथ में स्टिच करनी है। चोली की चौड़ाई 1.5 इंच की होनी चाहिए और टोटल लंबाई 16 इंच की होनी चाहिए। हमने वहाँ 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है स्टिच के लिए और यहाँ 1.5 इंच की चौड़ाई में यहाँ पूरी में स्टिच लगा लेंगे। इस तरह हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे 2 भाग में रख के यहाँ कट लगाएंगे। अब हम इसे एक के ऊपर एक रख के यहाँ 1.5 इंच इस ओर और 1.5 इंच इस ओर स्टिच लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ 1.5 इंच पे स्टिच लगा लिया है। इस ओर भी हम यहाँ 1.5 इंच पे स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है दोनों किनारे 1.5 इंच। आप यहाँ दोनों पार्ट में इस तरह यहाँ सेंटर मार्क लगा लें और यहाँ इस तरह रख के स्टिच लगा लें। हमने यहाँ चोली एक पार्ट में ऐड कर लिया है। अब हम इसे इस ओर हम बराबर मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ बीचों बीच रखते हुए इस ओर भी स्टिच लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ दोनों पीस में इस तरह स्टिच लगा लिया है। ये 10 इंच की लड्डू गोपाल जी की पोशाक बन के रेडी हो गई है। हम इसे इस तरह उन्हें पहनाएंगे। यहाँ डोरी बांध देंगे और इस ओर भी हम डोरी बांध देंगे और चोली को इस तरह उन्हें पहना देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।